कई बार जापानीज लोगों की स्किन देखकर सोचते हैं कि आई सो विश ऐसी स्किन मेरी भी होती, इतनी फ्लॉलेस, इतनी स्मूथ, इतनी टाइट, है ना। तो आज मैं आपको जापानीज होम रेमेडी बताऊंगी जो मैंने कई बार ट्राई की है और मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, एंड इट रियली हेल्प्स इन द स्किन स्मूथनेस एंड मेकिंग इट फर्म। ये रेमेडी इतनी आसान है कि जानने के बाद आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये हमारे घरों में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है और हम इसे यूं ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। जानना चाहते हैं क्या है? अभी बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ जूही परमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बात कर रही हूँ राइस वाटर की। जी हाँ, राइस वाटर। हम जब चावल बनाते हैं, हम हफ्ते में दो बार तो चावल बना ही लेते हैं, तीन बार भी बना लेते हैं। चावल बनाने से पहले हम उसे भिगोते हैं और जिस पानी में उसे भिगोते हैं उसे एक्स्ट्रा मार्ट समझकर, स्टार्ट समझकर बस फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि वो जो पानी है वो आपकी स्किन को फर्म, ब्राइटर, स्मूदर और यंगर बना सकता है, तो क्या आप उसे फेंकेंगे? ऑफकोर्स नहीं फेंकेंगे। तो आज मैं आपको इसी राइस वाटर के बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, जिसे जानने के बाद आप राइस वाटर कभी नहीं फेंकेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून राइस लिया है, अनकुक्ड रॉ राइस। इसमें पानी डालिए और पूरा राइस सोक कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब 15 मिनट बाद आप इस तरह से राइस और वाटर को मिक्स कीजिए, तो जो ये पानी है ये ऐसा मिल्की हो जाएगा। बस हमें यही मिल्की वाटर चाहिए। अच्छे से मिक्स कीजिए और राइस वाटर बिल्कुल रेडी है। अब बस चावल और पानी को अलग कर लीजिए। तो पानी को किसी और बोल में या किसी भी बर्तन में स्ट्रेन कर लीजिए। और ये है वो राइस वाटर जिसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए। अब बस कॉटन लीजिए, इसे अच्छे से पानी में डिप कीजिए, देखिए इस तरह से। और बस कॉटन की हेल्प से इसे अपने फेस पे लगाइए। इस राइस वाटर से पोर्स टाइट होते हैं, स्किन ब्राइटर होती है, स्मूथ होती है और शाइनी होती है। और आधे घंटे बाद अपने चेहरे को प्लेन पानी से धो लीजिए। और बचे हुए राइस वाटर को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं 2-4 दिन तक, और दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा कितना आसान है ये। हम फेशियल करवाने जाते हैं फॉर अ ब्राइटर बेटर स्किन, लेकिन इस वक्त स्पेशली लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है, इस राइस वाटर का इस्तेमाल कीजिए। और अगली बार जब चावल बनाएं तो इसे बिल्कुल एक्स्ट्रा वाटर समझकर ना फेंके, इसका इस्तेमाल अपने फेस पर करें। बहुत ही आसान है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप खुद यूज करके कॉमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपकी स्किन पे कितना फर्क पड़ा। बट हाँ, ऑब्वियसली किसी भी रेमेडी को सिर्फ 1 या 2 बार यूज करने में आपको डिफरेंस महसूस नहीं होगा, इसलिए कोशिश करें कि इसे आप हफ्ते में 1 बार जरूर ट्राई करें, यानी महीने में 4 बार। आप इन अबाउट 1 मंथ या 1.5 मंथ अपनी स्किन में डिफरेंस महसूस करेंगे और अपने आप आपको लगेगा कि योर स्किन इज मच मोर स्मूदर, ब्राइटर, फर्मर एंड यंगर। लेट मी नो इन कॉमेंट्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। आई विल सी यू गाइस सून।